आप देख रहे हैं ARTV चैनल। बाद पार्लिमानी हलके में जो MPLAD की स्कीम के तहत मैंने एक प्रपोज़ल दिया है हलके असम्बली याकूतपुरा के लिए, शुरुआती तौर पर 45 लाख की लागत से एक 3-in-1 सीवरेज लाइन ड्रेनेज लाइन की सफाई के लिए एक मशीन लिया हूं मैं, और इंशाल्लाह ताला ये मशीन आ गई है जिसमें जटिंग ग्रैबिंग विथ हुपर और पावर रॉडिंग मशीन है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैन्युअली स्कैवेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और यही मशीन में आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे हमारे पास ड्रेनेज लाइन है, उसी में खुद ये जाकर मट्टी गंदगी निकाल कर साफ़ करके अक्सर हम देखते हैं कि रोड पर डाल देते हैं उसको, फिर बहुत सी मरतबा ये शिकायत आवाम को रहती है जिसमें सच्चाई भी है कि वो मट्टी को उठाते नहीं। तो इस मशीन से ये छोटी गलियों में चली जाएगी ये गाड़ी, और सीवरेज लाइन की सफाई भी होगी, और उसको उठाकर इसमें डाल दिया जाएगा उस मट्टी को। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा ये ग्रैबिंग है, रॉडिंग जो मशीन निकाल कर इससे भी सफाई हो सकती, जिसको ऊपर एंड पावर रॉडिंग मशीन बोल सकते हैं। ये 45 लाख की लागत से MP फंड में मैं दिया हूँ। अब ये एक आइंदा 30 दिन के अंदर नई मशीन आएगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ वाटर वर्क्स का कि उन्होंने ये मुझसे वादा किया है कि इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम की दुआ रही, अल्लाह का फजल व करम रहा, कामयाबी मंदिर को मिलेगी। तो मेरी कोशिश होगी कि हैदराबाद पार्लिमेंट में जाकर सकती है। और दूसरा एक अहम काम रहता है करने के लिए, वो है हमारी जो ट्रंक मेन है, जाकर जो ट्रंक मेन कई वर्षों से सफाई नहीं हुई, मशीन को रिसाइकिलिंग मशीन जो हमारे 500 करोड़ की लागत है, मैं अपने फंड से भी आज इंशाल्लाह जब जब से बात करते हैं हैदराबाद पार्लिमेंट हल्के की ट्रंक मेन्स है, उसकी सफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो लाइनें हैं छोटी बड़ी जाकर ट्रंक मेन मिलती है, और अक्सर ही देखने में आया कि सभी ट्रंक मेन की सफाई नहीं होती है। इंशाल्लाह ताला उसका भी हम काम उस पर करेंगे। मैं ये हैदराबाद के पार्लिमेंट हल्के और खसूस हल्के असम्बली याकूतपुरा की आवाम ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की एक छोटी मशीन इनकी पड़ने में लिया हूँ, और आप जानते हैं कि हल्के असम्बली कारवान में 2.90 लाख की लागत से पूरे असम्बली हल्के कारवान में और नामपल्ली के थोड़े से हिस्से में गोशामा थोड़े से में नई सीवर लाइन डाली जा रही है, तो रोड खुदाई हो रही है, रोड नहीं पड़ने की तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि हल्के असम्बली कारवान में और जहां कहीं भी सीवरेज लाइन का काम हो रहा है, जैसा कि हल्के असम्बली याकूतपुरा में
मैंने एमपी फंड से अपने 4 करोड़ के सीवेज लाइन के काम दिए, उसका इफ्तिताह भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम तकमील को ही पहुँचे, तो इंशाल्लाह ताला वो काम मुकम्मल होने के बाद भी रोड का काम होगा। तो ये इस बात की आपको इतला दे रहा हूँ, आपके ताउन आपकी दुआओं की ज़रूरत है और हैदराबाद पार्लिमानी हलके में हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना है, अपने इत्तेहाद और अपनी बरतरी को बरकरार रखना है। फिस्ताई ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को आप और हमने मिलकर उनको शिकस्त दी है और इन तमाम आस्तीन के सांपों को भी हमको दूर रखना है। तो मेरे आप तमाम से ये बताना था कि ये काम चल रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में और तरीक़ाती काम अंजाम दिया जाए।